सो गाइस आई एम श्योर वेलकम बैक टू अवर चैनल लव स्पेक्ट्रम दिस शो। सो गाइस कैसे हो आप लोग, जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना। गाइस काफ़ी दिन से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मैं हर चीज़ में, आपको तो पता है मैं कमेंट रीड करता हूँ, पर कभी कभी मुझे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर मुझे जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसे वीडियोज बना के आपको वो सारे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे कुछ कमेंट है जहाँ पर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उनके जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक पर्सन ने मुझे पूछा था कि भाई आप क्या रोल प्ले करते हो, टॉप या बॉटम। तो ये इस्लाम जी का सवाल था। तो एक्चुअली ना मैंने जैसे कि बोला कि मेरे लिए ना रोल में वगैरह वो मैटर नहीं करता है, तो मैं कभी रोल के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ अगर किसी के साथ फिजिकल होने की बारी आई तो, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि गेट सेटिस्फेक्शन टेक सेटिस्फेक्शन। अगर आप सामने वाले को सेटिस्फाइड करोगे या फिर सामने वाला मुझे सेटिस्फाइड कर पाएगा तो मैं शायद उसको सेटिस्फाइड करूँगा, वो हर चीज़ उसके लिए कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो रोल वगैरह वो तो मैटर नहीं करते, सो ऑब्वियसली मेरे लिए रोल मैटर नहीं करते। एक और सवाल था अहमद अली का, मेरे दोस्तों आप अपना नंबर दो। तो हाँ, इस बारे में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बात करनी थी, इस बारे में कि आप जो कमेंट सेक्शन में जो भी बात करते हो, मैंने ऑलरेडी इस बारे में एक बार वीडियो बनाया था कि अगर मेरी वजह से या फिर उस कमेंट सेक्शन की वजह से अगर आप लोगों की जोड़ी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, बट मतलब कमेंट सेक्शन में किसी का भी नंबर प्लीज़ मत शेयर कीजिए। अगर आपको बात करनी है तो आप उनके आईडी पे जाके या फिर उनकी यूट्यूब आईडी लीजिए या फिर उनका इंस्टाग्राम आईडी लीजिए, बट नंबर मत दीजिए, क्योंकि नंबर से अगर कोई प्रॉब्लम आएगा उस पर्सन को तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, वो पूरे के पूरे आपको झेलना पड़ेगा जो भी होगा। तो प्लीज़ नंबर मत शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एक और पीयूष जी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि मतलब मराठी में सवाल पूछा था कि कुठे राहता तुम्ही, मी पण पुण्याचा आहे। तो उनका मतलब सवाल ये था कि कहाँ रहते हो आप, मैं भी पुणे से हूँ। तो एग्जैक्ट एड्रेस वगैरह तो वो तो शायद मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट हाँ पुणे में रहता हूँ और शायद आपके बहुत करीब रहता हूँ, बहुत करीब रहता हूँ। और एक सवाल था बॉटम को कैसे पहचानें, इस बारे में शिवम ने सवाल पूछा था कि टॉप बॉटम ये सब कुछ नहीं होता, ये सब अपनी अपनी सोच ही है, टॉप कभी बॉटम बन जाते हैं और बॉटम कभी टॉप, फिर किस बात की टॉप और बॉटम सो फनी। हाँ ये बात सही है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बस एक ओपिनियन दिया था और शायद लोगों को एक इजी वे मिले, इस बारे में मैंने बस वहाँ पर वो वीडियो पोस्ट किया था, बट कहीं ना कहीं तो आपकी भी बात सच है कि टॉप बॉटम, हाँ आजकल टॉप लोग भी बॉटम बन रहे हैं, बॉटम लोग भी टॉप बन रहे हैं, तो मैटर नहीं कर रहा है, हर एक अपना अपना मतलब सेटिस्फेक्शन देखता है, तो यू आर राइट। डॉक्टर सीएमजी ने, हाँ डॉक्टर सीएमजी ये हर एक वीडियो को कमेंट करते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि वेरी वेरी नाइस वीडियो एंड ऑसम मिल्क रेसिपी, यू हैव डन योर फैंटेसी जॉब, गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा जी। तो मुझे बेटा जी बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है, सो थैंक यू सो मच, आपका दिल से बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। उसके बाद कोई गे है तो मैसेज करो, हेलो ऐसे मतलब कमेंट। एक ने कमेंट किया था कि उनका नाम क्या है, जलिंदर कुमार जी ने कमेंट किया था कि तुम्हारा सामान टाइट होता कि नहीं। अब एक बात बताओ, मैं खुद एक मेल हूँ, मैं एसेक्सुअल तो नहीं हूँ कि जहाँ पर मतलब ऐसा कुछ होता होगा, ऑब्वियसली मेरे पास भी वो चीज़ें जो आपके पास है, उसको भी फीलिंग है जो आपको फीलिंग है, तो समझ जाओ। ओपन स्काई ने एक कमेंट किया था कि फालतू की बात कर रहे हो, मेरे जिम में बहुत से बॉयज बॉटम हैं जबकि वो फिट बॉडी वाले स्मार्ट मेल है, आई एम श्योर यू आर बॉटम। ये वो लोग होते हैं ना कि जो आधा अधूरा ज्ञान या फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके भागते हैं, तो उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि ओपन स्काई, पहली बात ना मैंने बहुत बार चिल्ला के बोला है, इवन उस वीडियो में भी बोला है मैंने कि वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो उस बारे में किसी को जज मत करो कि वो
वो एग्जैक्ट वही है। आपको जो सोचना है आप सोच सकते हो, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। और मुझे जो सोचना है, फिर मुझे जो ओपिनियन रखना है, उसमें भी किसी का मतलब मुझे ये नहीं है, बंदिश नहीं है कि आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। तो किसी को ऐसे जज मत करो। और सेकंड थिंग जो आपने बोला ना बॉटम, मैंने बोला ना आप मानोगे तो बॉटम, ना मानोगे तो मतलब व्हाटएवर। तो वो मेरे लिए तो अभी नॉर्मल सी चीज़ हो गई, क्योंकि हर कोई आजकल नॉर्मल लोगों को भी बॉटम बोलते, तो बॉटम एक गाली नहीं है। और शायद उन बॉटम की बॉटम को बोलने वाले जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े प्योर बॉटम होते हैं मेरे ख्याल से। पल्लवज जी ने एक सवाल मतलब एक बोला था कि शिव मुझे आपसे मिलना है, आपको मिलना है, तो ऑब्वियसली आप एक काम कर सकते हो। अगर आपने पीछे एक वीडियो मैंने डाला था नक्षत्र बागवे जी की जो पार्टी होती है, तो मैं अक्सर उस पार्टी में जाता हूँ। तो अगर आप मिलना चाहते हो तो उस पार्टी में आप ज़रूर मिल सकते हैं, हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम शायद मिल सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर कमेंट कर देना मैं उनका, और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना मैं, अगर कोई भी पार्टी का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको शेयर करूँगा, फिर लेट्स सी क्या होता है। ईमान जी ने एक सवाल पूछा था कि हमें हैंडसम बॉय बट अच्छे लगते हैं लड़कियों के मुकाबले। मैं मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप हैंडसम ठीक है, एक नॉर्मल देखने में ठीक ठाक होगा तो ठीक है, हैंडसम कैटेगरी बहुत ऊपर की है। तो आप हैंडसम के पीछे पड़ोगे ना तो आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वो एक प्ले बॉय मिलेगा शायद शायद। एनीवेज सो फिंद्रा 58, मुझे 18 से 22 में ही बॉय पसंद है। 58 के अंकल को 18 से 22 उम्र के लड़के पसंद है, वो भी बॉटम, अच्छी बात है। रमेश जी ने कुछ दिन पहले एक सवाल पूछा था कि आप अभी आप अकेले हो या दोनों, मतलब अर्णव के बारे में उन्होंने एक मतलब उनको ये पूछना था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। तो ऑब्वियसली मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ अभी, अभी तो मैं फ़िलहाल सिंगल ही हूँ। तो लेट्स सी कब मेरा चार्मिंग आएगा, तो आपको ज़रूर उससे मिलवाऊँगा, आपसे मिलना है। ओके, तुम दोनों पार्टनर हो क्या, खूब मज़ा लेते होंगे एक दूसरे से। कुलदीप जी ने ये सवाल पूछा था गे पर्सन को कैसे पहचान जहाँ पर अर्णव और मैं था। तो देखो तुम दोनों पार्टनर हो गया तो हम पार्टनर थे, पहली बात हम पार्टनर थे, सेकंड खूब मज़ा लेते होंगे एक दूसरे से। ऑब्वियसली पार्टनर होते तो एज पर फिजिकल रिलेशन आता है, तो फिजिकल रिलेशन में सब कुछ होता ही है ना, तो मज़े तो ऑलरेडी आते। हेलो कहाँ से हो आप, मैं पुणे से हूँ, मतलब ये कुलदीप जी ने ही सवाल पूछा था। तो गाइज बहुत सारे ऐसे सवाल है, बट कुछ कुछ मैंने वहाँ पर देखे तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो में सारे सवाल कवर करूँ। पर जब भी मैं ऐसे कमेंट सेक्शन लेके बैठता हूँ ना तो 8 से 9 मिनट का वीडियो बन ही जाता है। तो यस गाइज यही था आज का कमेंट रिलेटेड वीडियो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आपकी कोई भी अगर सवाल होगा ना आपके मन में तो कमेंट कर देना उस सवाल का जवाब, या फिर वीडियोस के माध्यम से आपके साथ मैं जरूर बात करूंगा। फिर से मिलेंगे एक यूनिक वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा से रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को खुश रखिए, सब हैप्पी एंड ऑलवेज सब्सक्राइब।